हमारे पुरखों की विरासत सांची का बौद्ध स्तूप, पहाड़ों के बीच में उकेरा गया, चारों तरफ पहाड़ियां, हालांकि ओबीसी के लोग अपनी विरासत को पहचान नहीं पाते। ओबीसी को लगता है कि ये विरासत अनुसूचित जाति जातियों की है। हाँ, इधर हूँ, अनुसूचित जाति जनजातियों की है, लेकिन ये विरासत ओबीसी एससी एसटी सब की है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप, जिनको ब्राह्मणों ने मंदिरों में परिवर्तित किया, लेकिन कुछ स्तूप ऐसे हैं कि जिनकी भव्यता इतनी थी कि उनको इसका ब्राह्मणीकरण करने में अभी भी तकलीफ हो रहा है और हुई है। ये बौद्ध स्तूप के ऊपर है, ये सब आप देख सकते हैं। बौद्ध स्तूप चारों ओर जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश में सांची नाम की जगह है, वहाँ ये स्तूप बनाया गया है। आज संयोग से हम इधर से यहाँ, ये देखिए, ये जैसा हर जगह होता है, ये गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ के सर ब्राह्मणों द्वारा तोड़ दिया जाता है ताकि गौतम बुद्ध की विचारधारा उनके गुणों को ओबीसी और एससी एसटी से दूर किया जा सके। ये जहां जहां जाता हूँ, जहां भी बौद्ध विहार में जाता हूँ प्राचीन, वहां अक्सर बुद्ध की मूर्तियां टूटी रहती हैं और कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण यहाँ शंकर काल्पनिक शंकर या किसी देवी देवता की मूर्ति लगा के और यहाँ इसकी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत भव्य बना है, इसकी वजह से यहाँ अभी तक संभव नहीं हुआ है ब्राह्मणों को। ये देखिए, ये कला हमारे पुरखों की कला, जिसको ओबीसी, खासकर मेरा ओबीसी समाज जो है, अपने पुरखों की विरासत को समझ नहीं पाता है। ये हमारी विरासत हजारों साल बाद भी आज भी उसी रूप में टिकी हुई है। ब्राह्मणों ने इस देश में कुछ नहीं बनाया जाति प्रथा के अलावा, और सारी विरासत हमारी है। इसको चोरी करके मंदिरों में रूपांतरित कर दिया। अब जैसे ये देखिए, इसमें कुछ दिन के बाद हो सकता है ब्राह्मण एक मूर्ति रख दे, अपने काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्ति रख दे, और मूर्ति रखने के बाद फिर उसकी पूजा शुरू कर दे और पैसा लूटना शुरू कर दे। तो ब्राह्मणों ने जितने भी बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, सबको मंदिर में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आज संयोग से मुझे मध्य प्रदेश में आने का मौका मिला, तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि अपने पुरखों की विरासत देखने की, तो मैं चला आया और ये पुरखों की विरासत देख के मैं हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी बड़ी विरासतें छोड़ के गई हैं और आज उनका ब्राह्मणीकरण हो रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। ये देखिए, ये सब पत्थर पे बनाए सब बौद्ध विहार हैं। बौद्ध विहार मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी स्कूल थे उस समय, जो बौद्ध शिक्षाओं के, बुद्ध की शिक्षाओं के को यहाँ सिखाया जाता था। जैसे स्कूल का सिस्टम था, सारा सिस्टम ये बौद्ध विहारों में होता था, जैसे गुरुकुल होता था, या वो तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट भी ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म से चुराया हुआ है। ब्राह्मणों ने गुरुकुल का सिस्टम भी, एक्चुअली ये गुरुकुल सिस्टम नहीं, ये बौद्ध बौद्ध
स्तूप और बौद्धों का सिस्टम था कि पढ़ाई लिखाई स्कूल का। और ये देखिए नागवंशी लोग जो हम नागों की पूजा करते हैं, ये देखिए यहाँ एक मूर्ति है गौतम बुद्ध की मूर्ति, और वहाँ नाग उनकी रक्षा कर रहा है। तो ये नागवंशी लोग थे, हमारे पुरखे नागवंशी लोग थे, हम लोग भी नागवंशी लोग हैं। और नागों की पूजा जो की जाती है वो नागवंशी जो हमारा टोटम था को वाले लोगों को नागवंशी कहा जाता था। ब्राह्मणों ने उसका देखिए ये सांची का बौद्ध स्तूप का एक और है भाग, यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति है इसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ ऊपर चमगादड़ है, कहीं अंदर नहीं जाने में थोड़ा वो है, यहाँ साफ सफाई नहीं रखी जाती, यहाँ चमगादड़ों का बसेरा है। यहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हमारी विरासत को धीरे धीरे ब्राह्मण मिटाना चाहता है और काल्पनिक देवी देवता को यहाँ रख कर, ये देखिए स्तूप मतलब यूनिवर्सिटी, यहाँ शिक्षा होती थी, पढ़ाई होती थी, ज्ञान विज्ञान। भारत दुनिया में बौद्ध स्कूल जो है, बौद्ध विहार जिसको बोलते हैं, बौद्ध स्कूल और यूनिवर्सिटी के बल पे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमा सका था। और ब्राह्मणों ने धीरे धीरे उसका ब्राह्मणीकरण करके नष्ट कर दिया। और आज हम लोग, तो आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोग आज GDP माइनस में जा रही है। तो इस तरह से मैं आया था तो मैं सोचा अपने फेसबुक के दोस्तों को बता दूं कि यहाँ किस तरह से मतलब क्या हालात हैं और ये हमारे पुरखों की विरासत कितनी शानदार है। ये हमारे पुरखों की विरासत हजारों साल के बाद भी आज भी उसी रंग रूप में। आज ब्राह्मण के इंजीनियर, ब्राह्मणों की सरकार, ब्राह्मणों के इंजीनियर पुल बनाते हैं तो उद्घाटन के पहले पुल गिर जाता है। हजारों साल पहले किया हमारा स्तूप है, आज भी जस का तस बारिश धूप सब कुछ सहते हुए भी जस का तस बढ़ा है। इसको टेक्नोलॉजी, समाज की टेक्नोलॉजी बोलती है। देखिए सम्राट अशोक का जो पिलर रहता है कमल के फूल जैसा, वो इसके सामने ही रखा हुआ है, ये पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ। ये है हमारे पुरखों का इंजीनियरिंग, हमारे पुरखों की इंजीनियरिंग जो है हजारों सालों बाद भी उसी जगह टिकी हुई है, बारिश धूप सब जगह। तो हमको एकजुट होकर ब्राह्मणों के, हमारे महापुरुषों के ब्राह्मणीकरण को ब्राह्मणाइजेशन करना होगा, हमको इकट्ठा होना होगा और भारत को फिर से विज्ञानवादी बनाना होगा, बौद्धवादी बनाना होगा। धन्यवाद दोस्तों।